स्टेज पर मेरे साथ बैठे कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन योगेश्वर रेड्डी जी, भवानी रेड्डी जी, लिंगम यादव जी, वचन जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर और पद्मा जी, साथ ही मीडिया मित्रला को नमस्कार। आज मैं आपके सामने आई हूं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। लोकतंत्र पर कैसा प्रहार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो जनता को जानना आवश्यक है। जब हम चुनावों में जा रहे हैं उस वक्त कैसे कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश, फाइनेंशियली क्रिपल करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है वो आपके सामने है। कोई भी पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी, कभी इनकम टैक्स नहीं देती, केवल अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स उन्हें फाइल करने होते हैं। और अगर हमें इनकम टैक्स नहीं देना तो हमारा कोई अनपेड टैक्स नहीं ड्यू होगा, तो अगर अनपेड ड्यूज नहीं है तो हमारे को पेनल्टी किस बात की लगनी चाहिए, अगर हमने देरी से आईटीआर फाइल किया। आप में से कितने लोग आईटीआर फाइल करते वक्त देरी हो जाती है, कई बार महीनों की देरी हो जाती है, 6 महीने की देरी हो जाती है और पेनल्टी मैक्सिमम 10,000 की। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना मतलब कि देश के डेमोक्रेसी को कमजोर करना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर प्रहार नरेंद्र मोदी की सरकार, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है और कैसे इनकम टैक्स को भेजकर हमारे अकाउंट्स में से पैसा ट्रांसफर कराया जा रहा है, इसके बारे में जानना जनता के लिए आवश्यक है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तेलंगाना की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज केंद्र की सरकार इनकम टैक्स का नोटिस हमें भेजती है, एक 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स पर, कि हमने 14 लाख जमा करे कैश में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, एमपीज ने, और आईटीआर जमा करने में हमें 45 डेज की डिले हो गई। 45 डेज पेनल्टी जानते हैं, हमारे 0.07% 14 लाख, 14.4 लाख, इस डिस्क्रिपेंसी के लिए, जो डिस्क्रिपेंसी हो गई हमसे, उसके लिए हमारे को लायबिलिटी कितनी आ जाती है, 106% 210 करोड़। 14.4 लाख के लिए हमसे लिए जाते हैं 210 करोड़ रुपए। और इस यहां पे नहीं रुकते, ये भेज देते हैं इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को हमारे बैंक्स में, और वहां पर जबरदस्ती बैंक ऑफिशियल से ये पैसा ट्रांसफर कराया जाता है सरकार को। ये कर रही है आज इनकम टैक्स, हमारे 11 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे 11 अकाउंट्स में से 2 यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स है, सोचिए जरा, यंगस्टर्स के अकाउंट्स को भी ये फ्रीज कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी को एनएसयूआई में, वो अपना ज्वाइनिंग के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसा देते हैं, आप उनका पैसा खा जा रहे हैं। यही तो बात है जिसको समझ में नहीं आता कि बच्चा देश का पॉकेट मनी कैसे बचाता है, वही कर सकता है ये। अब मैं इसके बारे में अब क्या कहूं कि इन्होंने जिस तरीके से बच्चों का पैसा भी खा लिया और उसको गटक गए, ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डरे हुए हैं, क्योंकि कहते तो है 400 मगर डर लग रहा है 40 का, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट हो चुका नॉर्थ में, इसीलिए आप बार बार उनको देखते हैं साउथ में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी नफरत यहां काम नहीं कर रही है, इसी नफरत को फैलाने के लिए वो कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। लेकिन हमारे अकाउंट्स फ्रीज करने के साथ साथ इनकम टैक्स नोटिस भेजता है 94-95 का, कहीं सुना आपने, टाइम बार भी नहीं होता कुछ भी, 94-95, ऐसे इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के ऊपर कार्यवाही करो भाई, उनमें तो कई ऊपर ही चले गए होंगे, रिटायर्ड तो छोड़ ही दो, आप उनके ऊपर कार्यवाही करो ना। सीताराम केसरी जी थे उस समय का, है नहीं कमल,
आप हमारे अकाउंट्स तब के उनकी स्क्रूटिनी पहले नहीं करवाए तो आपके ऑफिशियल्स की गलती है ना, आप क्यों भेज रहे हो? मगर देखिए आप, अगर ये डर नहीं है मोदी जी का तो क्या है? क्योंकि मैं आ जाती हूँ पीएम केयर्स फंड पर। पीएम डजंट केयर, ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, बट पीएम केयर्स, पीएम डराता फंड, जानते हैं ना कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। उसमें पैसा लेंगे, मजे करेंगे। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी तो पैसा मिला। बिल्कुल मिला। हमारे पास क्या ईडी है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास सीबीआई है। कहते हैं कि आपको, मतलब ये पर हेड के हिसाब से बता रहे कि हमारे पास इतने एमपी है तो हमारे को तो कम पैसा मिला है। मतलब कि हमारे को अगर 2000 रुपया मिला और हमारे पास सिर्फ 20 लोग हैं, हमारे पास 20 लोग हैं तो सबको मिला 100-100 रुपया, उनका कहना है। लेकिन अरे आपको मिले 1000 रुपए, आपके पास तो 2 MP है तो 500 रुपए मिले। मतलब कहीं ये लॉजिक काम करता है? व्हाट लॉजिक इज दिस? पर हेड, अरे जाके कोई होटल ही चला लो है। यहाँ पे आप बात कर रहे हो पैसे की, जो पैसा आपकी पार्टी को मिला, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की चुनाव में भी जो हार गए, और आप कह रहे हैं कि पर हेड हमें कम मिला। और पैसा पहले मिलता है या चुनाव के बाद मिलता? पहले मिला ना, और आपने इकट्ठा किया। 2017-18 में स्कीम आई और इन्होंने इकट्ठा किया पैसा, और आज आप जानते हैं कि तेलंगाना में भी हमने देख लिया है मेगा इंजीनियरिंग को और अरबिंदो फार्मा और कितनी कंपनीज है, और मुझे किसी कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता रहे। क्योंकि अगर कंपनी को डराओगे तो वो तो करेगा ही ना, आपके दबाव में आकर जेल थोड़ी जाना चाहेगा, वरना शरद रेड्डी की तरह जेल जाएगा और अप्रूवर बन जाएगा, क्योंकि वो तो आप ही का काम कर रहा है। लेकिन आ जाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में। 4 तरीके इनके पास, जानते हैं आपके पास सबके पास फोन है। एक प्रीपेड स्कीम है, एक पोस्टपेड स्कीम है, तो इनकी भी वैसी स्कीम है। प्रीपेड स्कीम क्या है? चंदा दो धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो। और दूसरी स्कीम क्या है भाई? पोस्ट पेड। आप अपना फोन चलाते हैं पूरा महीना, उसके बाद आप पैसा जमा करते हैं। तो उसी तरीके से हम दे रहे हैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर तुम्हारे नाम, ठेका लो और क्या दो? हमें दो घूस, ठेका लो और रिश्वत दो। और तीसरा तरीका, अन्ना टैक्स, सुना ना आपने अन्ना टैक्स? ये तो फिल्म ही चल रहा है पूरा का पूरा है। एक्सटॉर्शन रैकेट देखो आप, हफ्ता वसूली, ये तो सिर्फ गुंडे करते हैं, और यहाँ पे हफ्ता वसूली चल रही है, उसका डेटा भी दूंगी अभी आपको। और चौथा और भी इंपॉर्टेंट, जिसमें बीजेपी डायरेक्टली इंडाइक्ट होती है, और वो है शेल कंपनीज, फर्जी कंपनी, आप तो जानते हैं बोगस कंपनी। बोगस कंपनी के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा किया। मैं आपको अगर डेटा बताऊं कि हफ्ता वसूली कैसे किया इन्होंने, एक्सटॉर्शन रैकेट अन्ना टैक्स कैसे लिया, तो 41 ऐसे ग्रुप्स है, मतलब 41 ग्रुप्स का मतलब है कई कंपनीज है, हर ग्रुप में देयर आर मेनी कंपनीज। 41 ग्रुप से इन्होंने 2592 करोड़ रुपए लिए। और जानते हैं जब इन्होंने ईडी, आईटी, इन सब को भेजा इनके पास, सीबीआई को, तो और कितनी बार भेजा? 34 इंस्टेंसेस जब रेड करवाई, और रेड के बाद कितना पैसा मिला? 1853 करोड़ रुपए। आप रेड कराओ फिर माल खा जाओ। बीजेपी को क्यों गया? आपके घर में रेड होगी जिसकी, उसकी आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे या आप उसको पैसा देंगे, बताइए? ये इसलिए क्योंकि डर है ना भाई, अगर ईडी सीबीआई उसी के हाथ में है जिसे एक्शन लेना है, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। और दूसरे जो दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां पे 38 ग्रुप्स, और इन 38 ग्रुप्स को 79 प्रोजेक्ट्स मिले। पैसा कितना मिला बीजेपी को और काम कितना मिला इन कंपनीज को? 38 कंपनीज, और 38 कंपनीज को मिला 179 प्रोजेक्ट्स। बीजेपी को मिला पैसा, चंदा इन लोगों से
2004 करोड़। चंदा लो धंधा, चंदा लो, चंदा दो और धंधा ले जाओ, और काम दे रहे हैं बाद में रिश्वत ले लेंगे, ये तरीका। इसमें इनको मिला 2004 करोड़ रुपए और इन्होंने काम दिया 384,825 करोड़ का। अब आप समझे कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट क्यों खराब हो रहा है। भाई जिसको घूस देना है वो काम ठीक से कहां करने वाला है, यानी कि टेंडर के प्रोसेस में भी गड़बड़ी घोटाला है। और सबसे मजेदार चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ऐसे 16 ग्रुप्स हैं जो शेल कंपनीज के श्रेणी में आते हैं, फर्जी बोगस कंपनी, क्योंकि उनका नाम नहीं है, वो पैसा एसबीआई के अकाउंट में दिख रहा है कि वो व्हाइट मनी ट्रेवल करके जा रहा है बीजेपी के अकाउंट में। और ये कितना पैसा है, 419 करोड़ फ्रॉम बोगस कंपनीज टू बीजेपी। तो आप मुझे बता दीजिए, आप अगर 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं मीडिया के मित्रों, तो आपको केवाईसी देना पड़ता है ना, क्योंकि आप 49,000 जमा कर सकते हैं एक बार में, 50,000 करेंगे तो कहेंगे केवाईसी दो। अब आप बताइए कि जब 419 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में एसबीआई भेज रहा है तो केवाईसी नहीं लिया उन्होंने, किसका नाम छुपाया जा रहा है, समझे आप। तो यहां पर इतना बड़ा घोटाला करके चाहती है बीजेपी की 100 पैसा उनको मिल जाए, और उन्होंने डरा धमका के पैसा लिया। अब बीजेपी का जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि पर हेड कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो इसका लॉजिक साफ है ना कि द कंट्री वॉन्ट्स चेंज, देश बदलाव चाहता है, इसलिए देश के लोग, देश की कंपनियां कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि कांग्रेस पार्टी किसी को कोई काम नहीं दे सकती, कोई क्विड प्रो को नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि देश के लोग चाहते हैं कांग्रेस को, और बीजेपी चाहती है कि रोके, कि वो लोग डर जाए, खुद वो पैसा उनसे ले ले और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करे अकाउंट्स भी फ्रीज करके। मगर पीएम स्केयर्स फंड दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का स्कैम बाहर आ चुका है, और मोदी सरकार की सच्चाई दिख रही है। पर आपसे जानना चाहती हूँ, जनता को बताना चाहती हूँ, हमें कमजोर किया जा रहा है, पर बताए जनता कि 419 करोड़ अगर बीजेपी के पास बोगस कंपनी से आए हैं तो एक सिटिंग सीएम को तो जेल में डाला, बीजेपी को डॉक में नहीं लाना चाहिए, बीजेपी के जेपी नड्डा को जेल नहीं जाना चाहिए। और जो स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई उससे अगर ये फायदा इस तरीके से कर रहे थे, तो उस समय जब अमित शाह थे अध्यक्ष बीजेपी के, क्या उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए। तो आज ये बहुत सारे सवाल है हमारे, मगर हम जनता को बताना चाहते हैं, जाते हैं कि हम उनके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे साथ हैं, इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी हमारे पैसे पर अगर प्रहार कर रही है, उसे खाना चाहती है, फिर भी हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता की का है ये देश, और ये लोकतंत्र जनता का है, और जो तंत्र यानी कि सरकार होता है वो लोकतंत्र की सरकार होती है, लोगों की सरकार होती है। धन्यवाद।